देश की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग ने NHAI पर बड़ा खुलासा किया है। कैग की रिपोर्ट के आने के बाद से जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली में बनाए जा रहे द्वारका एक्सप्रेसवे पर कैग की रिपोर्ट ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क की लागत कई गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो लागत प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए होनी थी उस पर 250 करोड़ रुपए तक के खर्च हुए हैं। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कैबिनेट ने सड़क के लिए प्रति किलोमीटर का बजट 18 करोड़ 20 लाख रुपए प्रस्तावित किया था, लेकिन इसके लिए प्रति किलोमीटर 251 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब 7,287 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अब ऐसे में इस लागत में इतना ज्यादा अंतर आने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कैग ने पिछले दिनों इस प्रोजेक्ट के बारे में अपना ऑडिट रिपोर्ट संसद में पेश किया था। कैग के मुताबिक ये खेल भारतमाला परियोजना BPP फर्स्ट के चरण फर्स्ट में शुरू हुआ। आपको बता दें कि कैग ने द्वारका एक्सप्रेसवे के इस प्रोजेक्ट की 2017 से 2021 तक की रिपोर्ट का ऑडिट किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा प्रोजेक्ट CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की ओर से अप्रूव प्रोजेक्ट की लिस्ट में नहीं था और NHAI ने अपने स्तर पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कैग की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत परियोजना 1 के तहत लगभग 76,999 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं। इसमें से 70,950 किलोमीटर सड़क NHAI बना रहा है। आपको बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि दिल्ली से गुड़गांव जाना आना आसान हो सके। इस समय इसके लिए NH 48 का इस्तेमाल होता है। उस पर लगभग हर समय जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में NHAI को फ्री में जमीन भी मुहैया कराई है। हरियाणा सरकार की तरफ से 90 मीटर चौड़ी जमीन का राइट ऑफ वे पूरी तरह से फ्री दिया गया है। इतनी जमीन में 14 लेन का हाईवे आसानी से बन सकता है। कैग का कहना है कि रिपोर्ट कॉस्ट में इतनी बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि वहां मैसिव स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद से विपक्ष के हाथ बैठे बिठाए मुद्दा लग गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।